बारिश बनी मुसीबत, लोगों की बढ़ी मुश्किलें, नदियां नाले उफान पर हैं, पानी ने बजाई खतरे की घंटी। लोगों को क्यों याद आई केदारनाथ की 2013 वाली त्रासदी? लगातार जारी है ऑपरेशन जिंदगी। नमस्कार, मैं नलिनी सिंह पालीवाल, आप देख रहे हैं न्यूज को। देवभूमि उत्तराखंड में प्रकृति का कहर लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश और अलग अलग इलाके से बादल फटने की खबर सामने आ रही है। राज्य में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, वहीं चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। केदारनाथ में बादल फटने के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। केदारनाथ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहाड़ों के बीच फंस गए हैं। भारी बारिश के बाद भूस्खलन के चलते वहां रास्ते बंद हो चुके हैं। बारिश के पानी के साथ भूस्खलन का मलबा भी बह रहा है और इसकी चपेट में कई घर और सड़कें आ गई हैं। बता दें कि लगातार जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे, चारों धाम की यात्रा पर थे। ऐसे में बारिश उनके लिए एक कहर की तरह साबित हुई है। दरअसल SDRF के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए SDRF और NDRF तैनात है। SDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए कई यात्रियों को सुरक्षित सोनप्रयाग पहुंचाया है। दरअसल हर साल बारिश की मार पर्वतीय इलाकों में देखने को मिलती है। केदारनाथ धाम से यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ऑपरेशन के पांचवें दिन मौसम साफ होने से हेलीकॉप्टर की मदद से यात्रियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं सेना ने भी अब कमान संभाल ली है। पैदल मार्ग पर आम लोगों को खोजने के लिए स्निपर डॉग भेजे गए हैं। केदारनाथ धाम व पैदल मार्ग से अब तक 10,000 से अधिक तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। बता दें कि MI-17 और चिनूक से एयरलिफ्ट रेस्क्यू का कार्य भी शुरू हो गया है। MI-4 धाम हेलीपैड पर यात्रियों को उतार रहा है, जबकि चिनूक गौचर हवाई पट्टी पर यात्रियों को उतारेगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं रेस्क्यू और सर्च अभियान की पल पल की जानकारी ले रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। देखिए, जो आपदा आई थी बहुत बड़ी आपदा थी और जिससे काफी बड़ा नुकसान क्षेत्र में हुआ है। लगभग 29 स्थानों पर, छोटे बड़े स्थानों को लगा दिया जाए तो 29 जगह पर सड़क मार्ग कट हुआ है और भूस्खलन की चपेट में आया है। दो स्थानों पर पुल भी और तमाम जो सरकारी संपत्तियां हैं उसका भी नुकसान हुआ है, कटाव बहुत हुआ है। बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, दूर संचार सेवाएं भी कुछ समय बाधित रही हैं। लेकिन सभी लोगों ने मिलकर, यहां पर आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने, हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने, NDRF, SDRF, अनेक संस्थाएं, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, धार्मिक संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, हमारे प्रधानगण, पंचायत के प्रतिनिधि, पंडा समाज के लोग, तीर्थ पुरोहित, सब ने आगे आकर इस मुश्किल समय में तेजी से इस अभियान में सभी को मदद करने का काम किया है, बचाने का काम किया है, राहत पहुंचाने का काम किया है। राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी लगातार इस पर अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित किया। उसका परिणाम हुआ कि रेस्क्यू अभियान लगभग पूरा हो चुका है और अब हमारा पूरा ध्यान फिर से जो हमारा जनजीवन प्रभावित हो गया है, सड़क मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन के चपेट में आ गया है, फिर से चले वैकल्पिक मार्ग पर भी हम पूरी तरह से विचार कर रहे हैं कि वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए, कुछ नए हेलीपैड बनाए जाए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मुश्किल समय में, आपदा के समय में हमारा पूरा साथ दिया। यहां चिनूक हेलीकॉप्टर भी आया, यहां पर MI भी आया, राज्य की तरफ से भी यहां पर पहले दिन से 4 हेलीकॉप्टरों ने काम करना शुरू किया, उसके कारण से सभी को हम निकाल पाए हैं। चूंकि ऐसा समय है, सारे लोगों को आगे आकर इस आपदा के समय में केवल आपदा से फिर से हम सामान्य जीवन की तरफ जाएं, उसके लिए अपना सभी को योगदान देना चाहिए। इसके अलावा NDRF की टीमें जंगल और मंदाकिनी नदी के आसपास भी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। वहीं अगर बात करें गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच वॉश आउट हुए हाईवे की, तो वहां पर ट्रॉली लगाकर बुजुर्ग व घायलों को निकालने का कार्य सेना के द्वारा किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे दिन रविवार को कुल 1155 का रेस्क्यू किया गया, जिसमें हेलीकॉप्टर से 628 और पैदल मार्ग से 527 लोगों को रेस्क्यू किया गया। हेली से लिंचोली, चीरबासा व केदारनाथ से
रेस्क्यू किया गया। वहीं चौमास पैदल मार्ग से भी रविवार को 210 लोगों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन आपको बता दूं कि जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। इस वक्त पहाड़ों पर जाना आफत को न्योता देने जैसा है। चारों तरफ पानी, मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइड और पहाड़ों से गिरते पत्थर। मंजर ऐसा कि देखकर रूह कांप जाए, मानो भोले के धाम में कुदरत का तांडव देखने को मिल रहा हो। जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। मंदाकिनी नदी अपने रौद्र रूप में है। वहीं सोनप्रयाग में मैनुअल रेस्क्यू के लिए अब सेना, DDRF, NDRF, SDRF, पुलिस के जवान संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। 6 ग्रेनेडियर यूनिट CO कर्नल हितेश वशिष्ठ के नेतृत्व में सेना आपदा से क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग को फिर से आवाजाही के लिए अनुकूल बनाने के लिए कार्य कर रही है। जी हाँ, जितने भी रास्ते टूटे हुए हैं उनको लेकर अब सेना युद्ध स्तर पर काम कर रही है, ताकि उनको सुचारू रूप से चलाया जा सके। वहीं स्निपर डॉग की मदद से जंगल में भटक रहे लोगों की खोजबीन लगातार जारी है। साथ ही भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में भी सर्च अभियान जारी है। वहीं जो लोग आपदा से बचकर बाहर निकल रहे हैं, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खूब तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार बेहद अच्छा काम कर रही है। उत्तराखंड सरकार प्रदेशवासियों और राज्य में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा हेतु पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। दिल्ली से आया हूं, दिलशाद गार्डन, और हम केदारनाथ के दर्शन होकर आए थे। हमारे दर्शन हो गए थे, उसके बाद बस हम गौरीकुंड पहुँच के हमने दृश्य जो देखा है ना आँखों के आगे, वो 2013 वाला याद आ गया। और बड़ी मुश्किल से निकले हम। प्रशासन ने बहुत हेल्प करी है, मदद करी है, रेस्क्यू किया है, और काफ़ी कम से कम 3 किलोमीटर का रेस्क्यू हुआ है, और बहुत बढ़िया प्रशासन का अच्छा काम है। परिवार की व्यवस्था जो थी उसमें हमने अपना समय गुजारा टेंट के अंदर, खाना पीना अच्छी तरह से मिला और अच्छा हमारा समय भी। लोग उससे हाथ जोड़ के बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं उनका, कि जो हमें सुविधा मिली, और उस सुविधा से हम जैसे अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ गुप्ता से आए हैं, और भी हमारे हैं, हम 60 भोले हैं जो हम आए हैं। धीरे धीरे करके सब आने लग रहे हैं, पहले भी आ चुके हैं नीचे जी, जो खतरा था ऊपर, और बहुत ही अच्छा लगा इंतजाम सरकार के द्वारा। आने के बाद में गौरीकुंड से थोड़ा सा आगे गए तो बारिश होने लगा, फिर हम रुक गए, फिर बहुत भीषण बाढ़ आया। उसके बाद में हम लोग वहाँ से भागे, रात को ही भागे ऊपर, किसी तरह शरण लिया और रात भर पड़े रहे। सुबह NDRF की टीमें आई और उन्होंने बहुत लगन से बहुत अच्छा काम किया, बहुत आदमी का अच्छा से रेस्क्यू किया। तहे दिल से उन लोगों को हम लोग धन्यवाद करते हैं। अब प्रभु का दर्शन तो नहीं हो पाया, हम लोग वहाँ से लौट आए। प्रशासन लगी हुई है, जितना बन पड़ रहा है उतना कर रही है प्रशासन। इसके लिए प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग रास्ता अपना बंद करके फिर हम लोग बद्रीनाथ की तरफ निकल रहे हैं। धन्यवाद। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी भी हालातों पर गंभीर नजर बनाए हुए हैं, और वो लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ स्कूप से।